Hello my beautiful viewers, hi everyone, good morning, you are watching Arsha's blog and recipes and here I am Arsha ये तो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे हनी खाया जा रहा है, रो हनी जो मीठी चाची है ना पास वाले उन्होंने लाए हैं, उनको उनके जीजाजी या भैया देकर गए हैं। उनके जीजाजी या भैया जो है वो एपिकल्चर करते हैं, यानी बी कीपिंग करते हैं, तो वहाँ से मधुमक्खी ढेर सारे मधु मतलब हनी तो उस मतलब हनी बेचते हैं ऐसा कुछ ना। तो देखिए अब ये दोपहर हो चुका है, हनी खाना ख़त्म एंड मैंने भी थोड़ा सा खाया क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा होता है। सो देखिए ब्रेड के साथ मैंने खाई एक्चुअली उस वाले हनी को एंड साथ ही साथ सबको भी मैंने बांट दिया ब्रेड ना ब्राउन ब्रेड के। आप लोग भी खाइए ऐसे, सिर्फ हनी कैसे खा सकते हो, इतना ज़्यादा मीठा है। तो वो ही ब्रेकफास्ट बन गया आज का मेरा एंड पापा को बोले मैंने खाई है नहीं खाए। अच्छा खैर छोड़िए, तो इस बोरी के अंदर क्या है वो आप लोगों को दिखाती हूँ। सरप्राइज़ सरप्राइज़, दोपहर हो चुका है, चाचा को मिले हैं ये अपने घर के पास, तो बोरी में भर के ले आए। Biang dikelai lah kaki di jagai. Tang naik mang kamu na. Pas tu kok tak kata buah. Tang mang kamu. ये देखिए चालूंग बोटल गॉड लीफ के साथ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिला के यहाँ पे बड़ा बना रहे हैं, और साथ ही में गोडोक भी बनाई उसने, कहाँ रख दिया वो नीचे है। किचन अभी भी सही से ठीक ठाक नहीं हुआ हम लोगों का मॉड्यूलर या बनाना फ्लावर गुलाब बाबू नंग तासे फेन कॉमरी तो नला तासे फेन कॉमरी तो ने खरंग खना यंगे जा या करा नो हिंदा ओ पिशी के मोबाइल, पिशी अनी के मोबाइल, बाप रे कितना पुराना मोबाइल अभी भी है। और ये मुनाइती लाए थे बाली से, चार ऐसे साबुन लाए थे अलग अलग फ्लावर से बने हुए। ये जस्मीन है, ये पिशी को दे दिया मैंने, और तीन है मेरे पास। ही दो नहीं पर कपड़े तारीफ करो क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये है चुआन, इसको मैं अभी यहाँ दे रही हूँ सनलाइट में, शाम को या फिर कल बतख बनाऊंगी, सीखूंगी बनाना, कभी बनाई नहीं ना, ताकि लोग सिखाएंगे मतलब फर्मेंटेड राइस वियर। आज डिनर में बनेगा चिकन भरता, ये बम्बू शूट बॉयल करके रख दी थी आउचो, और ये जैकफ्रूट सीड्स कल निकाल के ऐसे रख दिया, और ये तेलाकुची लीव्स है, ये मेडिसिनल है, इसको कल खाऊंगी। और यहाँ पे उस दिन जो लाई थी हायासेंट वाटर हायासेंट, ये चाखी खाया जाएगा। एंड ये हबी को बहुत ही पसंद है पोर्क के साथ चाख, तो वो आएंगे तो बनाऊंगी। ये बहुत दिन रख सकता है, ये ताज़ा ही रहता है, थोड़ा सा पानी दे देना फिर ताज़ा आ जाता है मतलब ताज़ापन। और ये थाई ब्रिंजल कल थोड़ा सा तोड़ के लाई थी, ये भी कल ही बना दूंगी, गुदोक में डाला जाएगा, अच्छा लगता है गुदोक में। और आज चिकन भरता बनेगा, और ये आज फिर से मैं ये लाई हूँ तोड़ के पी बसा के, वो ना किचन गार्डन में से ये काटते वाले जो है क्या बोलते हैं इसको, ये क्या बोलते हैं दालों कुसकुड़िया, इसको काटे निकाल के धो धा के रख दे, अभी फ्रिज में रख देती हूँ। ये भी हबी के पसंद है, वो आएंगे तो फिर से ले आऊँगी खेत में से और फिर बनाऊँगी। फिलहाल ये कल बनेगा। अभी गाना सुनते सुनते चिकन भरता बनाऊँगी, गाना सुनूँगी अभी। ये मेरी कॉफ़ी वाला आइस सोप बन के रेडी है, इसको मैं अभी फेस पर रब करूँगी, और साथ ही साथ पानी का बॉटल लेकर ना खाना बनाने पड़ते। देखिए नाखून में क्या घुस गया फिर से, हाँ ओह ओ आज वो छिलका उतारे थे ना बनाना फ्लावर के, उसमें से ये लग गया।
इसको निकालने के लिए रिमूवर यूज़ करनी होगी, या फिर नींबू, नींबू सही है। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, भाप रे बाप रे बाप। खाना बनते बनते ऐसे 3 बोतल पानी में ख़त्म कर लेती हूँ हर रोज। जब कोई क्या सुकून मिल रहा, बस ओम शांति। अब खाना बना लेती हूँ। जब कोई ये देखिए चिकन भरता बन चुका है, इतना सा चिकन भरता ही बनता है जब भी पापा एंड मैं मतलब खाने वाले होते हैं, इतना से ही हो जाते हैं। अभी मैं ऑयस्टर बॉईल करके रखूँगी, बॉईल करके निकाल के रख दूँगी फ्रिज में, कल बनेगा। अगर इसको आज बॉईल नहीं किया गया ना तो ख़राब हो जाएगा। अभी रहम भी आ रहा है कि ये ज़िंदा ऑयस्टर है, इसको कैसे गरम पानी में डालूं। ऑयस्टर बॉयल हो चुका है, ऐसे ही रख के जाती हूँ ढककर। सुबह सुबह इसको साफ़ सफाई करके फिर प्रेशर कुकर में अच्छे से नरम करके फिर भरता बनाऊँगी। ये देखिए गैस स्टोव का क्या हाल हो गया। अभी रात भर इसको क्या करूँगी मैं, ए राम ए यहाँ आके कैसे मर गया है रे। ये सोडा एंड साथ में और एक चीज़ डाल के जाऊँगी, फिर कल सुबह तक ये अच्छे से स्टीम निकल जाएगा। जो निकलेगा निकलेगा, जो नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा। चाय गिर गया था आज, वैसे भी कई दिनों से सफाई नहीं किया गया ना, विनेगर ही कम पड़ गया अभी। कुकिंग सोडा विनेगर इतना सा ही रह गया है बस। एप्पल साइडर विनेगर डाल के देखो क्या होगा इससे। ये गरम था, भूल गई मैं। एप्पल साइडर विनेगर से होता है क्या, वो डाल के देखती हूँ, वही सही रहेगा। ये देखिए ये किसका एप्पल साइडर विनेगर है, घर में तो एक है ऑलरेडी। ये वाला 2 लाया गया था क्या, मैं ही भूल गई। मैंने तो एप्पल साइडर खोला भी नहीं बोतल। ये ज़्यादा एसिटिक हो जाएगा क्या, पूरा स्टील ही ख़राब ना कर दे। तब तो गया मैं, कल देखा जाएगा। पानी निकाल के रख दूंगी ना इसे। इसके जो ये है ना, ये ऊपर वाला जो शेल है, इसको ना हम लोग ऐसे पत्थर में या ईंट में, ईंट ना या पत्थर में हम लोग ऐसे रगड़ते हैं, फिर ये यहाँ होल बन जाता है एक ऐसा, तो उसी से ना हम लोग पिलर का काम करते हैं उस चीज़ से। मतलब मैंगो पील करना हो, वो करना, बचपन की बात है वो, अब की नहीं।